ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज का ये टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू एंडोरा। एंडोरा को कैसे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में आज बताऊंगा। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो में मैं बता चुका हूं एंडोरा के बारे में। एंडोरा में कैसे आपका खुद का कंपनी का रजिस्ट्रेशन करोगे मैं डिटेल्स में बता चुका हूं मेरे पहले वाले वीडियो में। तो आज का ये वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट टू एंडोरा। एंडोरा को कैसे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊँगा। सो एंडोरा जो है एक छोटा सा देश है, यूरोप में लोकेटेड है, और एक छोटा सा जो देश है उसका जो लोकेशन मैं आपको आगे बता रहा हूँ एंडोरा का लोकेशन। और ये जो देश है फ्रांस और स्पेन के बीच में लोकेटेड है, एक लैंडलॉक कंट्री है। सो कहाँ पर लोकेटेड है वंस अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ एंडोरा का लोकेशन मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, मैप दिखा रहा हूँ एंडोरा का, आप देख लीजिए। सो ये है एंडोरा। एंडोरा जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में लोकेटेड है एंडोरा। तो आप देख लीजिए उसका लोकेशन है, एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका कोई भी साइड में समुंदर यानी सी टच नहीं है। तो आप देख चुके होंगे, आपने देख लिया है कहाँ पर एंडोरा लोकेटेड है। सो एंडोरा का एक लैंडलॉक कंट्री है क्योंकि एक फ्रांस और स्पेन के बीच में लोकेटेड छोटा सा देश है, माउंटेनस कंट्री है, ज़्यादा करके पहाड़ी का देश है, और काफ़ी हजारों साल से ये देश लोकेटेड है, और इस देश का कोई भी सी पोर्ट्स नहीं है क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो इसका आगे मैं बताऊंगा उसका सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के बारे में, फिलहाल एंडोरा के बारे में आपको थोड़ा बता रहा हूँ। सो एंडोरा का जो राजधानी का नाम है एंडोरा ला वेला, और इस कंट्री का, इस देश का भाषा, किस भाषा में बात करते हैं, पहला जो भाषा है कैटलन भाषा में बात करते हैं, सेकंड भाषा है उनका स्पेनिश, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज, तो चार भाषा में बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 70% ऑफ लोग कैटलन लैंग्वेज में बात करते हैं। कैटलन जो है स्पेनिश लैंग्वेज टाइप का एक भाषा है, कैटलन लैंग्वेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग है कैटलन भाषा में बात करते हैं, सेकेंड भाषा है स्पेनिश, थर्ड में है फ्रेंच, और फोर्थ में है पोर्चुगीज। तो चार भाषा में बात करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का लोग इंग्लिश भी बोल पाते हैं। ठीक है, और इस देश का करेंसी के बारे में बात करूँगा। इस देश का खुद का करेंसी नहीं है, इस देश का करेंसी यूरो चलता है, यूरोपियन यूनियन का बीच में लोकेटेड है, यूरो चलता है। और इस देश का अभी तक इस देश एंडोरा शेंगेन जोन या यूरोपियन यूनियन में मेंबरशिप नहीं है, लेकिन यहाँ का जो सिटीजन ये एंजॉय करते हैं, यूरोपियन यूनियन का लोग का टाइप का एंजॉय करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो यहाँ का लोग है उनको यूरोप में स्पेन फ्रांस ऐसा बहुत सारे यूरोपियन कंट्री को जाने के लिए वीज़ा का जरूरत नहीं पड़ता है, और काम करने के लिए अगर वो कहीं कंट्री में जाना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन में, उनको वीज़ा या वर्क परमिट का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, और इस कंट्री का एंडोरा का जो आपको बता दिया, खुद का सी पोर्ट्स नहीं है, खुद का एयरपोर्ट नहीं है क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री है, और उनका जो एयरपोर्ट्स 2015 में उनका एक छोटा सा एयरपोर्ट उन्होंने बनाया, और अभी ऑपरेशनल एयरपोर्ट है ये जो छोटा सा एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट जो है डायरेक्ट फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट जो है ज़्यादा करके फ्रांस और स्पेन को ऑपरेट कर रहा है एंडोरा एयरलाइंस। ठीक है, और कितने सारे एयरलाइंस हैं उनका, कितने सारे एयरपोर्ट्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि एंडोरा जो आपको बता दिया एक पहाड़ी देश है, ज़्यादा करके माउंटेन्स है वहाँ पर, और इसीलिए वहाँ पर एयरपोर्ट के लिए हो सकता है उनके एयरपोर्ट के लिए जगह नहीं है, और एयरपोर्ट बनाने के लिए, एयरपोर्ट स्टार्ट करने के लिए उनको महसूस करना नहीं पड़ा, क्योंकि उनका स्पेन और फ्रांस जो है दो कंट्री है उनका बहुत नज़दीक में लोकेटेड है। फ्रांस का तीन एयरपोर्ट, स्पेन का दो तीन एयरपोर्ट जो उनका एंडोरा का कैपिटल से करीब 150 से 200 किलोमीटर दूरी है, इसीलिए एंडोरा को कोई ज़रूरत नहीं पड़ा एयरपोर्ट ऑपरेशन बनाने के लिए विद इन एंडोरा। लेकिन उनके पास छोटा सा एयरपोर्ट है और हेलीपैड्स वगैरह है जो उनका गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स यूज करते हैं, और कुछ कार्गो भी यूज होता है। तो कितने सारे एयरपोर्ट्स है मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख लीजिए और ये लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में। Thank you.
सो मैंने आपको पूरा लिस्ट करके दिखा दिया कितने सारे एयरपोर्ट्स है एंडोरा का, और कितने सारे एयरपोर्ट है स्पेन का, और कितने सारे एयरपोर्ट्स है फ्रांस का। जो नज़दीक एयरपोर्ट है एंडोरा का, एंडोरा से काफ़ी नज़दीक है एयरपोर्ट्स है, और उनका ये जो एयरपोर्ट्स आपको इसलिए बता दिया जब फ्यूचर में आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे टू एंडोरा और आपको एयरपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा, तो ज़्यादा करके स्पेन में जो बार्सिलोना सिटी है, बार्सिलोना से एवरी डेली बसेस एंड कार्गो वगैरह ऑपरेट होता है टू एंडोरा का कैपिटल लाबेला, ठीक है। और फ्रांस का जितने सारे एयरपोर्ट्स दिखा दिया, वहाँ से फ्रांस का जितने सारे एयरपोर्ट्स दिखा दिया और स्पेन का जितने सारे एयरपोर्ट दिखा दिया, एयरपोर्ट टू उन एयरपोर्ट से एंडोरा का जो राजधानी एंडोरा लाबेला को डेली बसेस ऑपरेट होता है, ठीक है। और जी अगर आप एयरपोर्ट बाई एयर कार्गो में एंडोरा का एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको जितने सारे एयरपोर्ट बता दिया उन एयरपोर्ट को आप टारगेट करोगे। गूगल में आप सर्च करोगे इंडिया में द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस, द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू एंडोरा, तो एंडोरा को जितने सारे एयरलाइंस और एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेट करते हैं तो आपको गूगल में मिल जाएगी। आप उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो भारत से एंडोरा को तो क्या प्राइस का, क्या खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट आएगा आपका गुड्स का, क्या का खर्चा आएगा कार्गो का, ठीक है। तो आपको मदद करेंगे कार्गो कंपनीज और कार्गो एजेंट, एयर कार्गो एजेंट्स, एयर कार्गो कंपनीज, एयरलाइंस आपको मदद करेंगे। इंडिया से कोई भी एयरलाइंस, कोई भी पोर्ट से, इंडिया का कोई भी सिटी से आप एंडोरा को एक्सपोर्ट कर सकते हो बाई एयर कार्गो। और जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये एयरलाइंस एयर फ्रांस भी एयर फ्रांस के जरिए भेज सकते हो, और स्पेन का जो एयरलाइंस है उनके साथ भेज सकते हो, इटालियन एयरलाइंस के साथ भेज सकते हो। काफ़ी सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं टू एंडोरा वाया फ्रांस, स्पेन, इटली होके, मैं आपको दिखा दिया। तो ये एयरलाइंस को आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या कार्गो कंपनी, एयर कार्गो कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन इंडिया, तो आपको मदद करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आप गूगल में जब कॉन्टैक्ट सर्च करते हो एयर कार्गो कंपनीज के बारे में, तो आप ऑलवेज ऐसा सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू एंडोरा, तो आपको जो एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे आप उनको, उनके साथ बातचीत करिए। या दुबई से भी काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेट करते हैं, दुबई, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, आप दुबई में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज, एयर कार्गो एजेंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू एंडोरा इन दुबई, या आप स्पेन या फ्रांस में गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग इन स्पेन एंड फ्रांस, तो उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रांस, स्पेन एंड एंडोरा, तीनों जगह पर आप गूगल में सर्च करिए तो उनके साथ कॉन्टैक्ट करिए, तो उनका साथ टाई अप रहेगा इंडिया का जो कार्गो एजेंट के साथ, तो आपको एडवाइस करेंगे कि हमारा जो इंडिया में एक कार्गो एजेंट को कॉन्टैक्ट करिए। तो आप समझ गए होंगे मैं कि आपको बता रहा हूँ, स्पेन, फ्रांस, एंडोरा में गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग इन एंडोरा, ऑपरेटिंग इन स्पेन, ऑपरेटिंग इन फ्रांस, तो उनको लिखिए कि आप इंडिया टू एंडोरा को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमें बताइए, एडवाइस करिए कौन से एयरलाइंस के जरिए हम भेजना चाहेंगे, तो आपको एडवाइस करेंगे कि इंडिया में हमारा कार्गो एजेंट है, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, या उनका साथ अच्छे अच्छे एयरलाइंस के साथ टाई अप रहते हैं, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको प्राइस बता देंगे, ठीक है। और एंडोरा का आपको बता दिया खुद का सी पोर्ट्स नहीं है, एंडोरा का जितने सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है एंडोरा डिपेंड करता है स्पेन एंड फ्रांस के ऊपर। तो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस, हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्पेन, मेरा पहले वाला वीडियो आप गूगल यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च बार में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्पेन ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, मेरे पहले वाले वीडियोज मिल जाएंगे, नहीं तो वो दोनों वीडियो का लिंक्स मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, फ्रांस का वीडियो, स्पेन का वीडियो, हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस, हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्पेन, दोनों वीडियो देख लीजिए, तो आपको काफ़ी सारा आइडियाज आ जाएगा कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रहा है, कितने सारे कार्गो एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, कितने सारे सी पोर्ट्स है, आपको मालूम पड़ेगा। तो आपका अगर सी कार्गो का बड़ा ज़्यादा सामान है, आपका ज़्यादा कंटेनर्स के ऊपर प्रोडक्ट आपका जाएगा टू एंडोरा, तो हो सकता है स्पेन को भेजिए या
फ्रांस को भेजिए, तो आप मेरा दो वीडियो देख लीजिए स्पेन एंड फ्रांस का, तो आपका जो कंटेनर इंडिया का कोई भी शिप पोर्ट हो स्पेन जाएगा या फ्रांस जाएगा, फिर वहाँ से कंटेनर जो है आपका ट्रक के जरिए एंडोरा को पहुंचा दिया जाएगा। तो आप हमेशा जैसे बता दिया यूट्यूब गूगल में सर्च करिए एयर शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू स्पेन, ऑपरेटिंग इंडिया टू फ्रांस, ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू एंडोरा, तो ये जो शिपिंग कंपनीज आपको आइडियाज़ देंगे, एडवाइस करेंगे कि कौन सा शिपिंग रूट आपको यूज करना है। यानी आपको एग्जांपल आप इंडिया टू कोई भी प्रोडक्ट आप फ्रांस भेज रहे हो, तो फ्रांस का जो शिपिंग कंपनी इंडिया के साथ टाइप है वो आपको एडवाइस देंगे, जैसे ही आपका ट्रक सॉरी जैसे आपका कंटेनर शिपिंग कंपनी के द्वारा फ्रांस या स्पेन का पोर्ट में पहुंचेगा, ट्रक के जरिए ट्रेलर के जरिए आपका कंटेनर एंडोरा पहुंचा दिया जाएगा। तो ये शिपिंग कंपनीज आपको मदद करेगा हमेशा। तो गूगल में सर्च करिए द शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू एंडोरा, द शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू स्पेन, द शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस। तो ये तीनों सर्च करके आप जितने सारे शिपिंग कंपनीज है उनको बात कर लीजिए कॉन्टैक्ट करके कि आपका कंटेनर इंडिया का कौन सा शिपमेंट में कौन सा पोर्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आपका कंटेनर जाएगा एंडोरा। तो शिपिंग कंपनीज इन इंडिया, स्पेन, एंडोरा और इन फ्रांस वो आपको मदद करेंगे, एडवाइस देंगे। तो कितना प्राइस का कॉस्ट है, क्या कॉस्ट आएगा, शिपिंग कंपनी आपको एक ही वंस चार्ज करेंगे ट्रकिंग का, या मीन ट्रेलर का, ट्रक का प्लस आपका कंटेनर का टोटल चार्ज कर देंगे। फिर आप इंडिया में आपका जो कंटेनर है शिप में लोड हो जाएगा, वो जाके फ्रांस या स्पेन में पहुंचेगा पोर्ट में, फिर वहां से ट्रक के जरिए पहुंचा दिया जाएगा टू ला भेला ऑफ एंडोरा। तो आपको मैं समझा दिया कैसे आपको सर्च करना है, कैसे आपको शिपिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करना है, कैसे आपको एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया टू एंडोरा एक्सपोर्ट हो रहा है, और इंडिया भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट एंडोरा से इंपोर्ट करता है, इंडिया भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट एंडोरा को एक्सपोर्ट करता है। तो मैं आपको पूरा लिस्ट करके, ज़्यादा करके जो इंडिया से स्टील वगैरह जाता है और आपका जितना सारे आपका जो डायमंड वगैरह जाता है, डायमंड एंड आपका जो ऑर्नामेंट्स और बहुत सारे गारमेंट्स जाता है, स्टील जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट जाता है इंडिया टू एंडोरा। 2019 में इंडिया एंडोरा के साथ करीब 4.50 मिलियन का बिजनेस किया, यानी इंडिया टू एंडोरा एक्सपोर्ट हुआ 4.5 मिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट हुआ इंडिया टू एंडोरा। तो अभी मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एंडोरा को एक्सपोर्ट करता है, इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एंडोरा से इंपोर्ट करता है, और एंडोरा क्या क्या प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है, और इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ एंडोरा, इम्पोर्टेंट वेबसाइट लाइक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स ऑफ एंडोरा, एंड आपका जो स्पेन, फ्रांस एंड एंडोरा का जितने सारे इम्पोर्टेंट येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, क्लासिफाइड वेबसाइट्स वगैरह जितने सारे लिस्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं मेरा जो लिस्ट है आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में और आपका जो नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, मैं आपको दो मिनट के बाद आके समझा रहा हूँ। Thank you.
मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट दिखा दिया, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू एंडोरा, इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम एंडोरा, एंड एंडोरा क्या क्या इंपोर्ट करता है, पूरा लिस्ट करके दिखा दिया। तो आप उस हिसाब से आप अपने आपको तैयार कर लीजिए कि आपका शहर में, आपका सिटी में, आपका राज्य में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, उस हिसाब से आप सोर्स करके इंडिया टू एंडोरा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, नया स्टार्टअप कंपनी हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको मालूम नहीं है ये जो प्रोडक्ट है कहाँ से सोर्स करोगे, तो मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ, हमारा इंडिया में 20 B2B ट्रेड पोर्टल से, B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से, इन साइट्स में हमारा इंडिया का इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हमेशा लिस्टेड किए हुए हैं। तो आपको इन वेबसाइट में आपको ढूंढना पड़ेगा हु आर द एक्सपोर्टर, हु आर द इंपोर्टर्स एंड हु आर द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये है इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल्स, B2B ट्रेड पोर्टल्स, और कुछ है येलो पेजेस ऑफ इंडिया एंड बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ इंडिया। ये आप जितना सारे लिस्ट दिखा रहे हो आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में और आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद अगर आप सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो आप सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए कौन से राज्य में, कौन सा सिटी में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है थ्रू द B2B वेबसाइट्स। तो इंडिया का ज़्यादा जो फेमस बड़े वेबसाइट्स है B2B ट्रेड पोर्टल्स है, IndiaMart.com है, TradeIndia.com है और ExportersIndia.com है। ये जो टॉप लेवल हमारा इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल्स है, इनमें से आप सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। और जितने सारे, अगर आप नया स्टार्टअप कंपनी हो, नया एक्सपोर्टर हो, तो आपको पहला काम है इन जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, ये वेबसाइट में रजिस्टर करना है आपका कंपनी को एज एन एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, जो भी आपका काम है। रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को लिस्ट कर दीजिए, फोटोज लिस्ट कर लीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिस्ट कर दीजिए, ताकि वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज है जो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने गूगल सर्च के द्वारा इन्हीं वेबसाइट से सर्च करते हैं। इसलिए आपको फ़ायदा होगा आगे अगर आप इन वेबसाइट में रजिस्टर करके आपका कंपनी की रखोगे, तो फ्यूचर में कोई भी इंपोर्टर्स कोई भी देश से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल थ्रू दिस वेबसाइट्स। तो ये आपका पहला काम है, अगर आपने अभी तक लिस्ट किया नहीं है इन वेबसाइट में, आपका कंपनी को लिस्ट करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये जो एंडोरा को एक्सपोर्ट करना है, जितने सारे प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट को आप जो जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया इन वेबसाइट में सर्च कर दीजिए, मैन्युफैक्चरर्स स्टार्ट करिए, सर्च करिए कौन है मैन्युफैक्चरर्स। हमेशा मैन्युफैक्चरर से, फैक्ट्री से बाय करिए, तो आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, प्राइस सस्ता मिलेगा। तो आप हमेशा एक्सपोर्टर के साथ कम्युनिकेट करिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया कौन से प्राइस में खरीदते हैं और कौन से प्राइस में बेचते हैं। इसलिए हमेशा एक्सपोर्टर के साथ बात करते रहिए और मैन्युफैक्चरर के साथ बात करते रहिए, ताकि मैन्युफैक्चरर से कौन सा प्राइस में लेकर आपको कौन सा प्राइस में एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्टर से आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डिटेल्स आपको बता दिया, ये वेबसाइट से आपको मिल जाएगी इम्पोर्टेंट जितने सारे आपका जो प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको एंडोरा से कैसा मिलेगा, आपको एंडोरा से कैसा मिलेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर, तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट दिखा दिया एंडोरा का। तो पहला एक वन बाय वन आपको समझाता हूँ। तो पहला है, अगर इंडिया में आप हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग में 25 के 30 के अबव टूल्स है, जहाँ से ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा आपका कंपनी को एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका सिटी में या आपका राज्य में अगर कोई अवेलेबल है, तो आप उनको साथ कॉन्टैक्ट करिए, या अगर आपके पास बजट है कोई डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को, आप अपॉइंटमेंट कर लीजिए, आपका कंपनी में रखिए। 15,000-20,000 सैलरी लेगा, तो आपका कंपनी को वो लिस्ट कर लेगा, मार्केटिंग करेगा, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग करेगा। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग करने के बाद आपका जो कंपनी एंडोरा में, वहाँ का जो सर्च इंजन में दिखाई देगा, एंडोरा का जो की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, एंडोरा का जो लोग है, गूगल में या कोई भी सर्च इंजन में सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको सर्च इंजन में दिखाई देगा, तो वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। सेकेंड तरीका है, गूगल एड के जरिए, गूगल एडवर्टाइजमेंट के जरिए डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशनल आपका कंपनी को
एंडोरा में एडवर्टाइजमेंट करेगा, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपका जो कंपनी का वेबसाइट और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एक डिज़ाइन एंडोरा का जितने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट वेबसाइट से वहाँ का होम पेज में दिखाई देगा, फिर उसके ऊपर वहाँ का लुक क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट को डायरेक्ट हो जाएगा, फिर वो लोग आपको वेबसाइट देखेंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज और आपका कंपनी के बारे में उनको मालूम पड़ेगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। ये दो तरीका हो गया। थर्ड तरीका है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल आपका कंपनी को एंडोरा में, स्पेन में, फ्रांस में जितने सारे इंपॉर्टेंट येलो पेजेस है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है और बिजनेस डायरेक्टरीज है, वहाँ पर रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद स्पेन, फ्रांस एंड एंडोरा में जितने सारे लोग हैं, सर्च इंजन के जरिए या येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरीज में जब सर्च करते हैं तो आपको उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, तो वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थर्ड तरीका है। फोर्थ तरीका है आपको मैं दिखा दिया एंडोरा का, स्पेन, फ्रांस का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स दिखा दिया, तो मेनली जो एंडोरा का न्यूज़पेपर है 5-6 न्यूज़पेपर्स दिखा दिया, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स है, तो उनमें से उनमें आप अगर आपके पास पैसा है, बजट है, तो एंडोरा का न्यूज़पेपर्स को कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ का इन्फो कॉन्टैक्ट उस पेज को जाकर कॉन्टैक्ट करिए कि आप ईयरली 6 मंथ ईयरली या 2-3 साल तक आपको एडवर्टाइजमेंट करना है उनका होम पेज में, क्या खर्चा, क्या कॉस्ट आएगा, तो आपको बता देंगे, प्राइस बता देंगे। प्राइस बताने के बाद आपका एक अच्छा कैटलन लैंग्वेज में या स्पेनिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज में आपका एक अच्छा डिज़ाइन वो लोग बनाएंगे, ब्लिंक करते हुए एक डिज़ाइन बनाएंगे, और वो डिज़ाइन को आपको वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे, और वो डिज़ाइन जो है वहाँ का न्यूज़पेपर का होम पेज में एडवर्टाइजमेंट होगी, एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, जैसे आपका बजट है। तो जैसे ही वो ब्लिंक होते हुए एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, एंडोरा का जो लोग है जो पढ़ने के लिए आते हैं न्यूज़पेपर्स, तो उनको आपका बड़ा जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, तो वो लोग उनके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट को जाएगा, आपका वेबसाइट में वो लोग जाके देखेंगे काफ़ी सारे प्रोडक्ट सर्विसेज है, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। ये भी एक तरीका है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा हमारे जितने व्यूअर्स को बताता हूँ, अगर आपका वेबसाइट छोटा है, वेबसाइट को बड़ा करिए, अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, बड़ा मतलब जैसा Flipkart.in, Amazon.in टाइप का बड़ा साइट बनाइए, तो बड़ा साइट बनाने के बाद उसको मल्टी लैंग्वेज बनाइए। मल्टी लैंग्वेज का मतलब वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में कोई भी आदमी अगर आपको आपका साइट को विजिट करता है तो उनको ऑटोमेटिक आपका साइट उनका लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी, फिर वो अपना लैंग्वेज में खुद का लैंग्वेज में पढ़ सकता है। वैसे ही अगर आपका वेबसाइट ट्रांसलेटेड यानी ऑटोमेटिक ट्रांसलेटेड साइट है तो एंडोरा में जो भी आदमी जो भी पर्सन आपका वेबसाइट को विजिट करता है तो ऑटोमेटिक आपका साइट जो गूगल ट्रांसलेट के जरिए उनको दिखाई देगा, ट्रांसलेट ऑप्शन दिखाई देगा या ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो जाएगी, तो उनको कैटलन लैंग्वेज या स्पेनिश या फ्रेंच में वो पढ़ सकते हैं। वैसे ही आपका वेबसाइट को फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में, इंग्लैंड में इंग्लिश में एंड स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज में लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ आपको वेबसाइट को बड़ा करिए, और आपको वेबसाइट को अनलिमिटेड फोटोज प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कोने में कोई भी देश में लोग आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देखकर आपको ऑनलाइन में खरीद सकते हैं, और हमेशा आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी जगह में कोई भी देश से कोई भी इंपोर्टर्स कोई भी इंडिविजुअल लोग आपका प्रोडक्ट उनको पसंद आएगा, ऑनलाइन में पे करके आपको आपसे पेमेंट करके ऑनलाइन में वो इंपोर्ट कर सकता है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट है आपका वेबसाइट के लिए, अनलिमिटेड प्रोडक्ट एंड प्राइसेस, फोटोज, पेमेंट गेटवे एंड ट्रांसलेशन, तीनों रखिए, और मैं आपको एश्योर दे रहा हूँ कि आपको हमेशा वर्ल्ड में कोई भी कोने से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलते रहेगा, ठीक है। ये हो गया, आपको बता दिया वेबसाइट के बारे में, और ऐसा जैसा आपको बता दिया कि एंडोरा का जो पॉपुलेशन है 77,500, छोटा सा देश है, छोटा सा पॉपुलेशन है, लेकिन इस कंट्री में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग हमेशा हर साल विजिट करते हैं टूरिज्म के लिए। ये जो पहाड़ी देश है स्की रिसोर्ट के लिए फेमस है, और एंडोरा में 4 इंडस्ट्री के वजह से उस देश को पैसा मिलता है। पहला हो गया आपका उनका बैंकिंग इंडस्ट्री, सेकेंड में टूरिज्म, थर्ड में रिटेल एंड फोर्थ में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इस देश में 400 के ऊपर होटल्स है और 200 के ऊपर रेस्टोरेंट्स है, काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस है, काफ़ी सारे रिटेल शॉपिंग मॉल्स है, और हर साल करीब 1 करोड़ टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि शॉपिंग के लिए ट्रैवल करते हैं। इस देश में जैसा कि आपका 1 करोड़ से ज़्यादा
टूरिस्ट तो ट्रैवल करते हैं, 77,000 पॉपुलेशन है, और एवरी डे वीकेंड में लाइक सैटरडे संडे को फ्रांस एंड स्पेन का जो नेबरिंग कंट्री स्पेन एंड फ्रांस है, थाउजेंड्स ऑफ लोग शॉपिंग करने के लिए ला विला ऑफ एंडोरा जाते हैं, क्योंकि फ्रांस एंड स्पेन में थोड़ा महंगा है, अल्कोहलिक बेवरेजेस महंगा है, टोबैको महंगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह महंगा है, और एंडोरा एक टैक्स हेवन है, टैक्स फ्री कंट्री है, एंडोरा में काफ़ी सस्ता है, इसलिए हर वीकेंड में सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे संडे को मिलियंस ऑफ नॉट मिलियंस हज़ारों के तादाद से लाख के तादाद से स्पेन से फ्रांस से लोग जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, इसलिए उनका भी हिसाब कर लीजिए, 1 करोड़ का टूरिस्ट है, 77,000 पॉपुलेशन है, और मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वहाँ आते हैं और मिलियंस ऑफ लोग वहाँ पर आते हैं एवरी वीक में, तो इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट वहाँ पर अच्छे तरह बिकेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट क्या होगा आपको मैं दिखा दिया, ज़्यादा करके गारमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका जो ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह वहाँ पर सेल होता है, और आप कोई भी प्रोडक्ट एंडोरा में आप सेल कर सकते हैं। तो आप एंडोरा का जितने सारा तरीका बता दिया ऑनलाइन में आप ट्राई कर लीजिए, और आपको स्पेन और फ्रांस और स्पेन के जितने सारे आपको दिखाया पहले बता चुका हूँ, हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए फ्रांस और स्पेन का, वहाँ का वीडियो देख के वहाँ का जो ट्रेडर्स है वहाँ का इम्पोर्टर्स है उनसे भी बातचीत करिए, क्योंकि बार्सिलोना में जितने सारे ट्रेडर्स है इम्पोर्टर्स है उन लोग से भी एंडोरा का जो इम्पोर्टर्स ट्रेडर्स वो लोग डील करते हैं, क्योंकि ज़्यादा के जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स रहते हैं बड़े बड़े इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स बार्सिलोना में हैं और स्पेन में फ्रांस में हैं, उनके साथ भी डील करते हैं एंडोरा का इम्पोर्टर्स ट्रेडर्स, तो वहाँ से भी खरीदते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों साइड से मार्केटिंग करोगे तो काम मिलेगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो स्पेन फ्रांस एंड एंडोरा तीनों जगह में करिए, आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर मिल जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन के जरिए मार्केटिंग करिए, एंडोरा ला विला में एक्सपो में भाग लीजिए, बार्सिलोना स्पेन में एक्सपो में भाग लीजिए, फ्रांस पेरिस में एक्सपो में भाग लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में एग्जीबिशन में आप भाग लोगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेस लेकर जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, एक्सपो में भाग लीजिए स्पेन में फ्रांस में एंड एंडोरा में, ठीक है। और एंडोरा जैसा बता दिया, एंडोरा जाने के लिए इंडियंस या काफ़ी 195 कंट्रीज का लोगों को वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, टूरिज्म कंट्री है, टूरिज्म के लिए इस देश को जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अगर आपके पास बजट है तो आप स्पेन या फ्रांस का वीज़ा ले लीजिए, टूरिस्ट वीज़ा ले लीजिए, एंडोरा में जाकर आप 3 महीना 4 महीना 5 महीना कितने दिन भी रुक सकते हो, अगर आपके पास पैसा है स्पेन या बार्सिलोना जा सकते हो, बार्सिलोना से बाई बस में आप जा सकते हो टू ला विला एंडोरा, तो एंडोरा में आप पहुँच कर आप गेस्ट हाउस में होटल में रुकिए, फिर वहाँ मार्केटिंग करना चालू कर दीजिए, और वहाँ एक ट्रांसलेटर्स ले लीजिए आवरली बेसिस में, ट्रांसलेटर्स अगर आपको कैटलन भाषा नहीं आता है, ठीक है, कैटलनिया नहीं आता है या स्पेनिश फ्रांस नहीं आता है, फिर भी वहाँ का लोग को इंग्लिश अच्छा आता है, तो वहाँ पर मार्केटिंग करिए, आप दुकान टू दुकान यानी शॉप टू शॉप या आप जा सकते हो कंपनीज टू कंपनी एंड आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह जा सकते हो, जाके कॉन्टैक्ट करके कंपनी टू कंपनी कॉन्टैक्ट करिए और आपका प्रोफाइल दिखाइए, विजिटिंग कार्ड बिजनेस कार्ड दिखाइए, आपको ज़रूर वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा, और वहाँ जब जाओगे वहाँ का कार्गो कंपनीज को भी कॉन्टैक्ट करिए, कार्गो कंपनीज भी आपको बता देंगे कैसा वो इम्पोर्ट करोगे आपका प्रोडक्ट को, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया, जब आप एंडोरा जाओगे तो वहाँ का कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ का दुकान शॉपिंग मॉल्स को कॉन्टैक्ट करिए, कार्गो कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ का जो एयर कार्गो कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए, कार्गो एजेंट को कॉन्टैक्ट करिए, ऐसा करके आपको ईजिली वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो डिटेल्स आपको बता दिया, एंडोरा में फिलहाल इंडियन एम्बेसी नहीं है, फ्रांस स्पेन में जो इंडियन एम्बेसी है उनके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन एंडोरा का ले सकते हैं, तो फ्रांस एंड पेरिस में स्पेन में हमारा जो इंडियन एम्बेसी को आप लिख सकते हैं, अगर उनके पास एंडोरा का कंपनीज का लिस्ट है डाटाज है तो आपको दे सकते हैं, अगर दे देंगे तो आप ईमेल के जरिए एंडोरा का कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ईमेल के जरिए भी कॉन्टैक्ट करिए, गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ कंपनीज, द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टर्स, द लिस्ट ऑफ गारमेंट कंपनीज, द लिस्ट ऑफ ज्वेलरी कंपनीज इन एंडोरा, तो आपको काफ़ी सारे कंपनीज दिखाई देंगे गूगल में, आप उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया एंडोरा को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसे वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, पूरा डिटेल्स में बता दिया, कैसे आप ट्रैवल करोगे वो भी बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी
हमारा ये स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको, आप हमारे ईमेल के जरिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ आपको जानकारी चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन मदद चाहिए मेरे से या मेरे कंपनी से, मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।